गुरु गणेश तुम्हें देखकर मेरा मन भी कर रहा है ड्राइंग करने का, पर कैसे करूं? होमवर्क। गणेशा, मेरा होमवर्क कर दोगे प्लीज? रवि तुम? ईटिंग शुगर? नो पापा। गुरु? दादाजी ने कहा है ना, अपना काम खुद करना चाहिए। हाय एवरीवन, हेलो गणेशा। हेलो निकी। हेलो निकी। निकी, दो दिन से तुम स्कूल क्यों नहीं आ रही हो? हाँ, नहीं जा पाई। मेरे मामा जी आए हैं ना, उनको घुमाने ले गई थी क्योंकि वो कल चले जाएंगे। गुरु, आज मैथ्स में क्या क्या हुआ है? जरा अपना नोटबुक दोगे तो मैं कॉपी कर लूँगी। दो दिन से मैंने होमवर्क सबमिट नहीं किया है। तुम मुझे अपना नोटबुक दे दो, मैं कॉपी कर दूंगा। अच्छा, मुझे तो कह रहा था अपना काम खुद ही करना चाहिए। तुम अपने मामा जी के साथ टाइम स्पेंड करो, होमवर्क कॉपी करके मैं 9 बजे तक नोटबुक पहुँचा दूंगा तुम्हारे घर पे। थैंक यू गुरु। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है, दोस्त ही दोस्त के काम आते हैं। तुम कितने अच्छे हो, मैं 9 बजे आऊँगी नोटबुक लेने। बाय बाय गणेशा। बाय बाय निकी। क्या उसे सचमुच हेल्प की जरूरत थी? लेकिन इतना लेस टाइम में तुम अपना और निकी का होमवर्क कैसे करी? हाँ, अब तो बोल दिया है, करना ही पड़ेगा। आइडिया, गणेशा, मेरे फ्रेंड, मेरे भाई, तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। वहाँ पर तो बड़े शेर बन रहे थे। प्रॉमिस, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा, प्लीज। ओके ओके, क्या करना है? वो क्या बोलते हैं कॉपी वाले गैजेट को? प्रतिरूपक यंत्र। हाँ, वही वही। देखो, हर बात में यंत्रों का इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। तुमको अपनी फ्रेंड की हेल्प करनी है तो तुम खुद ही कर लो। ठीक है, मत दो। एक दोस्त वो होते हैं जो दोस्ती में जान तक दे देते हैं, और एक तुम हो जो एक गैजेट तक नहीं दे सकते। ओहो, शुरू हो गई इसकी नौटंकी। ठीक है ठीक है, ये लो प्रतिरूपक यंत्र। थैंक यू गणेशा। मैं तुम्हें इसे इस्तेमाल करने का तरीका भी बताता हूँ। अरे वो सब मैं जानता हूँ, तुम जाओ जाओ जाओ। आई विल मैनेज। ये मेरी कॉपी, ये निकी की कॉपी। अब मेरे लेसन का ट्रांसफर निकी की कॉपी में, और ये कॉपी बटन। हाँ, हो गया मेरा काम। गुरु। हाय निकी। हाय, मेरा होमवर्क हो गया? हाँ, पता है निकी, मैंने बहुत मेहनत करके पसीना बहा के ये कॉपी गैजेट बनाया है, और तुम्हारी नोटबुक में होमवर्क कॉपी किया है। वाओ गुरु। इट्स ओके, थैंक्स की कोई जरूरत नहीं है। क्या बोल रहे हो, होमवर्क तो कॉपी हुआ ही नहीं है गुरु, और देखो मेरे पुराने नोट्स भी मिट गए। हाँ? लगता है कर दी गड़बड़। अरे बाप रे, ये कैसे हो गया? अपने स्कूल में क्या सबमिट करूंगी? टीचर बैड रिमार्क्स देंगी, ऊपर से डांटेंगी भी। निकी निकी, तुम रो मत, मैं कुछ भी करके तुम्हारे सारे नोट्स वापस लिख कर दूंगा, और स्कूल टाइम से पहले होमवर्क भी खत्म कर दूंगा। पर कैसे? मैं करूंगा कुछ। काश तुमने कुछ किया ही नहीं होता। अरे निकी सुनो तो, तुम्हें हेल्प नहीं करनी थी तो नहीं करते। गैजेट देख के मेरा नाच न जाने आंगन टेढ़ा। यंत्र सही है, तुमने गलत ऑपरेट किया। अब क्या करूं गणेशा? सिंपल है, निकी की नोटबुक से जो भी डिलीट हुआ है वो सारा मैटर यंत्र के स्मृति बक्से में होगा। स्मृति बक्से में? ओहो, मतलब मेमोरी बॉक्स में। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अरे गुरु, मैंने सुना है तुमने कोई गैजेट बनाया है। अरे ये फोटोकॉपी का एडवांस वर्जन है। आज मैडी खुशी से मैड हो जाएगा। अच्छा, तो इस गैजेट से तुमने निकी की नोटबुक साफ कर दी। हाँ, वो गलती से गलत बटन दब गया था,
लेकिन मैं फिर से उसकी नोटबुक में सारा मैटर रिस्टोर करने जा रहा हूँ। हीरो बनने का बहुत शौक है ना, तो अब मैं बनाता हूँ हीरो से तुम्हें जीरो। गजब का गैजेट बनाते हो तुम, है ना जिम्पी? अरे कुछ तो बोलो। चलो तुम सबको ऑल द बेस्ट। ये क्या किया तुमने? सॉरी। इट्स ओके डिम्पी, कोई बात नहीं, ये तो जीनियस है ना, दूसरा गैजेट बना लेगा। ऑल द बेस्ट। तोड़ दिया गैजेट, अब मुझसे कोई दूसरा गैजेट मत एक्सपेक्ट करना। मैंने नहीं, मैडी ने तोड़ा है। गणेशा हेल्प। तुमने निकी को प्रॉमिस किया है तो तुम ही करो, मैं चला। ठीक है ठीक है, मत करो हेल्प, मैं ही कुछ करता हूँ। अरे बाप रे, इतना सारा काम। ओ नो, बोल के फंस गया, लेकिन मैं करके दिखाऊंगा। ओए सुबह हो गई और 8 भी बज गए, उठ जाओ। 8 भी बज गए और किसी ने मुझे उठाया भी नहीं। मेरे आराम करने के चक्कर में निकी को डांट पड़ सकती है स्कूल में। गणेशा प्लीज, तुमने देखा ना, रात भर बैठ के किया ना मैंने पूरा काम। अब जल्दी से चलो वरना मेरा जागना भी बेकार हो जाएगा, अगर निकी को नोटबुक टाइम पर नहीं दे पाया तो। ओके ओके। पुष्पक विमान यंत्र। इंडिया हाउस में देखो कितनी मस्तियाँ, गुरु और निकी करे शैतानियाँ। जल्दी चलो जल्दी चलो, लेट हुए तो निकी को टीचर से डांट पड़ेगी। हमारे संग चलो दोस्त, रहता है यहाँ फन का मौसम हमेशा। चलो आ गया स्कूल। थैंक यू पुष्पक विमान यंत्र। अरे गुरु, तुम लेट कैसे हो गए? क्लास तो चालू हो गई है ना? क्या सच में? हाँ, अपने क्लासरूम का फैन खराब हो गया है, इसलिए टीचर लैब में क्लास ले रही है। अच्छा, और तुम लोग बाहर क्या कर रहे हो? अरे मैं तो टॉयलेट जा रहा हूँ, तुम जाओ ना, मैं आता हूँ। मैडी, तुमने झूठ बोला। ऐश करो। बन गए ना फूल, उस पे भरोसा करते ही क्यों हो? गणेशा, अभी इन बातों के लिए टाइम नहीं है, मुझे जल्दी से क्लास में जाना है। हाँ हाँ, हमारा आकार परिवर्तन यंत्र कब काम आएगा? आकार परिवर्तन यंत्र। गैजेट गुरु गणेशा। रोल नंबर 22। यस टीचर। रोल नंबर 23। गुरु वो नहीं आएगा टीचर। यस टीचर। ये कब आया और किधर से आया? मैडी को तो मैड करके रख देगा। कैसे बताऊं? थैंक्स गुरु। थैंक्स क्यों? नोटबुक के लिए मैंने सबमिट कर दी है। तुम मुझे नोटबुक कंप्लीट करके नहीं देते तो आज मुझे पनिशमेंट जरूर मिलती। मैंने तुम्हें नोटबुक दिया कब? बनो मत, तुमने गणेशा से भिजवा दी थी रात को ही। गणेशा से? गैजेट गुरु गणेशा। जब तुमने गैजेट रिपेयर कर ही दिया था तो मुझे रात भर जगाया क्यों? जाग गए तो क्या हुआ, थोड़ी हैंडराइटिंग की प्रैक्टिस भी हो गई
और सब चैप्टर भी याद हो गए होंगे तुम्हारे। उफ गणेशा, मुझे बात मत करो। टेबल के नीचे झुककर क्या कर रहे हो गुरु? नहीं कुछ नहीं टीचर। आप सब के लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज है, सरप्राइज टेस्ट। सबने अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन जिसने 100 out of 100 मार्क्स मिले हैं, उसका नाम है गुरु। बहुत मेहनत कर रहे हो आजकल, कीप इट अप। मैंने कहा था ना कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। थैंक्स गणेशा। सिर्फ थैंक्स से काम नहीं चलेगा, मुझे भूख लगी है। अरे ये तो टीचर का टिफिन है। कौन जकार ले रहा है? क्या बात है, टीवी में देख के इतना मजा आई तो रियल में जाके देखने में कितना मजा आई। ए, तुम लोग सब चल रहे हो क्या? मजा आएगा, सच कह रही हूँ। नहीं, मुझे समंदर में जाने से बहुत डर लगता है। भाट फिकरिंग, बहन गणेशा इज इधरिंग। पानी दो। तुमको तो हम वाटर नहीं आइसक्रीम देंग। ठंडा ठंडा आइसक्रीम, अब अच्छा लग रहा है। हाय निकी, देखो हम टीवी पर समुद्री जीवों और जंतुओं को देख रहे हैं। मैं तुम्हें रियल में दिखाना चाहती हूँ, मेरे पापा एक्वेरियम के लिए सी हॉर्स लाए हैं। सी हॉर्स? सच में? चलो चल के देखते हैं। कितना क्यूट दिखता है ना? हाय सी हॉर्स। ए, किसी ने पानी डाला क्या एक्वेरियम में? पानी नहीं तो? तो फिर लेवल कैसे बढ़ गया? फिशेस आर क्राइंग। अरे तुम लोग को याद नहीं, पूजा दीदी की शादी में लोग इतना रोए कि सड़क पर आंसुओं की बाढ़ आ गई और बगल में स्विमिंग पूल बन गया था, है ना गणेशा? हाँ हाँ याद है मुझे। पर इस एक्वेरियम में सच में कोई रो तो नहीं रहा? कहीं ये सी हॉर्स तो नहीं रो रहा है बेचारा? पता कर लेते हैं ना। सर्वजीव दुभाषक है? क्या तुम रो रहे हो सी हॉर्स? क्या नाम है तुम्हारा? क्या हुआ तुम्हारे साथ? मेरा नाम सीशेल है, मैं समुद्र के सी हॉर्स का प्रिंस हूँ। पापा मुझे जंप कराना सिखा रहे थे ताकि अपने बर्थडे के दिन मैं परफॉर्म कर सकूं। लेकिन कुछ दिन पहले ये वेरी गुड पप्पू, यू कैन डू इट। पापा देखिए क्या मिला है। फिर मैं मार्केट में बिकता हुआ यहाँ आ गया। क्या तुम लोग मुझे वापस समंदर में छोड़ दोगे? आज मेरा बर्थडे है। सच में? हैप्पी बर्थडे शेल। हम तुम्हें जरूर छोड़ेंगे और ये हमारी तरफ से तुम्हारे लिए बर्थडे गिफ्ट होगा। क्या बात है निकी, मैं तो कहता हूँ हम इसे इसके मम्मी पापा के पास छोड़कर आते हैं, क्यों साथियों? लेकिन तुम्हें समंदर में जाने से डर लगता है ना? लेकिन तुम ही कहते हो ना, वाई फिकरिंग व्हेन गणेशा इज इधरिंग। तुम हेल्प करोगे ना गणेशा? क्यों नहीं, हम सब समंदर में चलते हैं ना और इसका बर्थडे मना कर आते हैं। निकी लगता है मैडी आ गया है, हमें जल्दी से निकलना होगा। गणेशा आयामी द्वार, चलो सब आयामी द्वार के अंदर। Let's going आयामी द्वार के अंदर। कहाँ गए सब लोग? आवाजें तो यहीं से आ रही थी।
मैंने जंप करना सीख लिया था। बचाओ उसे! अभियोग आकार परिवर्तन यंत्र। आकार परिवर्तन यंत्र क्या कर रहा है गणेशा इससे? थैंक यू गणेशा, मैं कितना बड़ा हो गया, अब मैं चाहे जितनी छलांग लगा सकता हूँ, मुझे कोई खतरा नहीं है। ये! लेकिन गणेशा वो बड़ी लहरें देखो। चलो कुछ फन करते हैं। लहरों का मजा लो दोस्तों। गुरु गणेशा अब हमें नीचे जाना होगा। वो तो ठीक है बट हाउ टेकिंग सांस। गणेशा कोई गैजेट निकालो ना। अभी लो जल श्वसन यंत्र। जल श्वसन यंत्र, ये कैसा यंत्र है? इससे पानी में भी सांस ले सकते हैं। अरे ये सब भाग क्यों रहे हैं? हो सकता है शार्क पीछे पड़ी हो। लेकिन यहाँ पे तो शार्क्स भी भाग रही है। एक्सक्यूज मी भाई, सब भाग क्यों रहे हो? भाग नहीं रहे, रेस में हिस्सा ले रहे हैं। मैंने सोचा था अपने पूर्वजों की तरह मैं ही जीतूंगा, क्योंकि रास्ते में सब सो जाएंगे और मैं धीरे धीरे चलता हुआ पहुंच जाऊंगा, लेकिन यहाँ तो कोई सो ही नहीं रहा। अरे ये तो हमारे लोग हैं। मतलब तुम अपने घर आ गए? नहीं हम यहाँ तो नहीं रहते। तो फिर ये सारे एक साथ यहाँ क्यों हैं? मम्मी पापा, ये तो मेरे पप्पू की आवाज है। किधर है तू बेटा? अरे मैं यहाँ हूँ मम्मी, यहाँ। मैं तुम्हारा बेटा हूँ। तुमने मुझे पहचाना नहीं? ओफो, कैसे पहचानेंगी? तुम इतने बड़े दिख रहे हो। पहले मैं इस यंत्र का असर निकालता हूँ। सीशेल, मेरे बच्चे कहाँ चले गए थे तुम? जहाँ गया था वहीं से आया हूँ मैं, और मुझे लेकर आए हैं ये मेरे दोस्त। ये गणेशा है, गैजेट गुरु। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्रिंस आ गए, ये! अब हम इनका जन्मदिन धूमधाम से मनाएंगे अपने इलाके में। पर अपने इलाके में सी मॉन्स्टर? क्या हुआ, आप लोग इतने शांत क्यों हो गए? एक बहुत बड़े सी मॉन्स्टर ने हमारे इलाके पर कब्जा कर लिया और हमें डरा कर भगा दिया। अब डर के भागने की बारी उसकी है, क्यों गणेशा? चलो सी मॉन्स्टर को भी देख लेते हैं। ओहो, तो तुम लोग फिर से आ गए और मेरे लिए खाना भी ले आए। इससे पहले कि मैं तुम सबको खा जाऊं, तुम दबा कर भाग जाओ यहाँ से। लेकिन हमारे पास तो तुम ही नहीं है। और तुम्हारे पास है, कहो तो हम दबा दे फिर भागोगी यहाँ से? हाँ मैं तुम्हें पहली और आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूँ, तुम जहाँ से आई हो वहाँ चली जाओ, और इन्हें भी यहाँ चैन से रहने दो, क्योंकि समंदर तुम सबका है। लेक्चर से मुझे बहुत चिढ़ होती है। जो मुझे लेक्चर देते हैं उन्हें मैं अपने कांटों का मजा चखाती हूँ। नहीं छोड़ूंगी। ये कैसे हो गया? अब मेरी बारी।
क्या कर रहे हो? छोड़ो! देखा मेरा कमाल? क्या कमाल है, वो तो वापस भी आ गई। मायावी लगते हो, तुमसे नहीं उलझूंगी, लेकिन इन सबको तो खा ही सकती हो ना? इस मॉन्स्टर को भीगी बिल्ली अभी बनाता हूँ। आकार परिवर्तन यंत्र। अब तुम किसी को ना डरा पाओगी और ना ही किसी को खा पाओगी, बल्कि तुम सबसे डरोगी। इसे तो मैं खाऊंगा। तुम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तुम लोगों ने ना सिर्फ हमारे बच्चे को लौटाया, बल्कि हमारा घर भी वापस दिलाया। बताओ क्या करें हम तुम लोगों के लिए? पप्पू का बर्थडे मनाते हैं और क्या। हाँ, मगर केक कहाँ है? केक नहीं है तो क्या हुआ, केक मेकर तो है ना? भोजक उत्पादक यंत्र। गैजेट गुरु का।